मैं डॉक्टर एहतेशाम वकारी अभी एसपी कोडरमा के रूप में कार्यरत हूँ। मैं समय कोरोना पॉजिटिव हूँ और होम आइसोलेशन में रहकर ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने एमबीबीएस एमडी की पढ़ाई की है और मैंने ये जरूरी समझा कि होम आइसोलेशन को लेकर जरूरी जानकारी आप लोग के बीच में साझा करूँ। अभी हम लोगों को अननेसेसरीली हॉस्पिटल विजिट करके हॉस्पिटल का बर्डन नहीं बढ़ाना चाहिए। हॉस्पिटल गंभीर में कोरोना पॉजिटिव वालों के लिए छोड़ देना चाहिए और जो माइनर लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव से वो घर में रह के होम आइसोलेशन में अपनी स्वयं की देखभाल कर सकती है। अभी होम आइसोलेशन में कुछ निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना है। इसमें पहला है कि आप अगर आपको माइनर लक्षण आ रहे हैं जो कि अभी आमतौर पर देखा जा रहा है, हल्का बुखार या सर्दी खांसी या गले में खराश या बदन का टूटना या स्वाद चेंज होना या सूंघने की शक्ति खोना या बदन में कमजोरी महसूस होना, अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं तो आप लोग तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपना कोरोना टेस्ट कराएं। अगर कोरोना टेस्ट आपको तुरंत अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं। अहम बात है कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, डोंट पैनिक। आपको अगर लक्षण है, और महामारी के समय थंब रूल होता है कि अगर आपको लक्षण है तो आपको स्वयं को कोरोना पॉजिटिव मानते हुए स्वयं को आइसोलेट तुरंत कर लेना चाहिए और किसी डॉक्टर की सलाह लेते हुए अपना मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जो भी रिसर्च स्टडीज कहते हैं कि माइनर लक्षण के लिए कोई भी मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, आप स्वयं उस बीमारी से 7 से 10 दिन में रिकवर कर जाएंगे अगर आपका अंदर की शक्ति ठीक रही तो। लेकिन हमें होम आइसोलेशन में इन 5 बातों का ध्यान रखना है कि आपको भरपूर मात्रा में कैलोरी लेना है, 2500 से 3000 कैलोरी आपको डेली लेना है। आप खाना 5 टाइम खाए और ठीक से खाए, प्रोटीन की भी पर्याप्त मात्रा ले जिससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। आप दिन भर में कम से कम 15 गिलास पानी अवश्य पिए क्योंकि पानी रिहाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसी तरह आप 2 गिलास नारियल पानी 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम जरूर पिए और जितने भी तरह के जूस अवेलेबल हो सकते हैं उसको जरूर पिए जिससे कि आपका बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहेगा और आप गंभीर बीमारी में लैंडअप नहीं करेंगे। अभी आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक पल्स ऑक्सीमीटर अपने होम आइसोलेशन के दौरान अपने सामने रखना है और उसमें सिर्फ 3 से 4 बार डेली आप मॉनिटरिंग करें। उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, ये देख सकते हैं ये मैंने ही किया है, अपना जो चार्ट बनाया है। इसमें है कि आप सुबह 10 बजे दोपहर शाम में आप अपना पल्स रेट SpO2 और टेम्परेचर मॉनिटर करें और इसको मॉनिटर करते रहे लगातार और ध्यान रखें कि ये स्टैटिक रहे, मतलब बैलेंस में रहे। अगर इसमें गिरता है अब आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत कब पड़ेगी? हॉस्पिटल आप तभी जाना चाहिए जब आपको SpO2 लगातार गिर रहा है, आपका 92% से नीचे आ गया है, आपको लंबी खांसी 3-4 दिन से हो रहा है, बुखार 4-5 दिन से है लेकिन जा नहीं रहा है और आपको कोमॉर्बिड कंडीशन, कोई पुरानी बीमारी है, दिल की बीमारी या डायबिटीज या हाइपरटेंशन, तो ऐसी स्थिति में आपको बुखार जाना हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। और ये ध्यान रखें कि हॉस्पिटल जब एकदम जरूरत महसूस हो तभी जाए। और रेमडेसिविर भी एक दवाई सुनने को आ रही है अभी, रेमडेसिविर का उपयोग जो भी रिसर्च कहता है, CDC कहता है कि इसका मृत्यु दर में कोई फायदा नहीं पहुंचाता है, ये सिर्फ इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए, जब CT स्कैन में आपके लंग में पैचेस मिलते हैं तो इसका उपयोगिता है। और अगर आपको रेमडेसिविर अगर आपको नहीं मिल रही है दवाई तो बिल्कुल भी नहीं घबराए, इसकी कोई अगर ये मिल नहीं सकता है तो इससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। आप संयम रखें और जरूरी बातें का ध्यान रखें, इसी से हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। और जो कि सरकार के द्वारा बार बार दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में सैनिटाइजर का उपयोग करें, और जो 50 साल से ऊपर की उम्र है उनका खास तौर पर ध्यान रखना है और उनको वैक्सीनेशन आने पे उनको वैक्सीनेशन भी करवाना है। इन सब बातों से हम हॉस्पिटल का बर्डन कम कर सकते हैं और स्वयं भी सुरक्षित रह सकते हैं, अपने परिवार वाले अपने देश को भी सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।